बंद के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में रोकी गई ट्रेन। बंद समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के 12 घंटे पश्चिम बंगाल बंद के आह्वान का असर जलपाईगुड़ी जिले में दिख रहा है। जलपाईगुड़ी जिले से सटे भारत बांग्लादेश सीमावर्ती शहर हल्दीबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली डीएमयू ट्रेन को सुबह सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने रोक दिया। बंद को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मोंटू रॉय ने कहा, छात्रों के साथ हुई मारपीट, राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और आरजी कर मामले में शामिल प्रमुख नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पार्टी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है, इसलिए ट्रेन रोकी है। ट्रेन रोककर भाजपा विधायक और उनके समर्थक ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। बंद का जलपाईगुड़ी जिले में असर दिख रहा है। सरकारी गाड़ियां चल रही है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां सड़कों से गायब है। अधिकतर दुकानें और प्राइवेट कार्यालय तथा स्कूल बंद है। बंद के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में रोकी गई ट्रेन। बंद समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के 12 घंटे पश्चिम बंगाल बंद के आह्वान का असर जलपाईगुड़ी जिले में दिख रहा है। जलपाईगुड़ी जिले से सटे भारत बांग्लादेश सीमावर्ती शहर हल्दीबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली डीएमयू ट्रेन को सुबह सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने रोक दिया। बंद को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मोंटू रॉय ने कहा, छात्रों के साथ हुई मारपीट, राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और आरजी कर मामले में शामिल प्रमुख नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पार्टी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है, इसलिए ट्रेन रोकी है। ट्रेन रोककर भाजपा विधायक और उनके समर्थक ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। बंद का जलपाईगुड़ी जिले में असर दिख रहा है। सरकारी गाड़ियां चल रही है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां सड़कों से गायब है। अधिकतर दुकानें और प्राइवेट कार्यालय तथा स्कूल बंद है।